दोस्तों तो आज हम बना रहे हैं परवाल पिष्टी। एक तो मूंगा होता है अपना जड़ मूंगा और एक होती है शाख मूंगा। तो ये अपनी शाख मूंगा वाली पिष्टी बन रही है। अपने स्टैंड देख सकते हो, हमारे स्टैंड इसे बनाने में लगे हुए हैं। इसे निकालो थोड़ा सा, इसकी वाइट मशीन बन जाती है। और अपनी ये आप चाहे तो आप इस भी देख सकते हो कितनी बेहतरीन वाली फर्स्ट नंबर वाली परवाल है। और आप इसकी भस्म भी बना सकते हो और पिष्टी भी। अब हम इसकी पिष्टी बनाने का काम कर रहे हैं। पहले से हम इमामदस्ती में कूट के चट्टू भट्टे में कपड़ छन करेंगे, फिर हम इसे अर्क गुलाब से खरल करके इसकी पिष्टी बना के रखेंगे। और हम मूंगा जड़ की भी बनाएंगे। ये देख सकते हो हमने इसे पहले सूखने के लिए रखी है। पहले इसे हमने पानी से शुद्ध करके, पानी उबाल के उसमें नींबू डाल के शुद्ध कर सकते हो, फिटकरी डाले कर सकते हो। तो इस तरह अपना 10-15-20 मिनट उबाल के साफ़ कर लेना और इसे सुखा के, सुखाने के बाद इमामदस्ते में कूट के कपड़ छन करके फिर आपने इसे पिष्टी करनी है। अर्क गुलाब में कर सकते हो, अर्क गोजवान में कर सकते हो, केवड़ा अर्क में कर सकते हो इसकी पिष्टी। और अपनी भीषम बनानी है तो ऊपर नीचे एलोवेरा का नुकदा दो, आपकी वाइट कलर की बेहतरीन एक ही आग में बन जाएगी पिष्टी। तो आप परवाल जो मूंगा है, ये साग है, इस साग की भस्म बनाने के लिए थोड़ा सा वो लो जो अपने माता बहने दही जामन लगा के दूध में उसे रड़कती हैं, उसके अंदर से मक्खन निकलता है। उस मक्खन को ऊपर नीचे देके आप उसके लिए फिर इसके पिष्टी को लेके इससे आग दें। ऊपर नीचे मक्खन देके कुछ जी में 10 किलो की आग दें, आपकी वाइट कलर की बिल्कुल बेहतरीन एक ही आग में फूली हुई ये भस्म निकलेगी। अपने दिल दिमाग के लिए, जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए, सांस फूलने के लिए बहुत आला किस्म की अपनी भस्म बन जाएगी ये। दोस्तों आज पार्ट टू मैंने आपको बना दिया है, देख सकते हो। और आगे जैसे जैसे हम चीज़ें बनाते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो हम इसके अंदर अर्के गोजबान लगा के उसी खरल करनी शुरू कर दी है। ये देख सकते हो अर्के गोजबान इसे लगा के, और आहिस्ता आहिस्ता आपने कम से कम, जो भी बंदा नहीं जानता खरल में, जिस तरह किसी ने नहीं करी, प्रैक्टिकल किसी ने नहीं करा, तो उसे कम से भी कम इसमें 40 घंटे खरल करनी है। और एक बार इसमें थोड़ी सी बात ध्यान देने की है, ये जब आपने इसके अंदर अर्क लगा दिया तो इसे खरल को जब छोड़नी है, जब ये अर्क बिल्कुल खुश्क हो जाए, यानी बिल्कुल टाइट हो जाए, एक रबड़ी सी बन जाए, तब इसे की खरल छोड़नी है। उससे पहले खरल नहीं छोड़ दी, ऐसा नहीं करना कि इसमें अर्क डाला और उठा के धूप में खुशक करने के लिए रख दी, नहीं। आपने 1-2 घंटे जो भी खरल करनी है कापी में लिख लेना, अगर आपको कंटिन्यू खरल करने नहीं करी जाती, 2 घंटे दिया 2 घंटे खरल करके वो लिख दिया, 4 घंटे करी 4 घंटे लिख दिया, इसी तरह आपने कम से कम 40 घंटे इसकी खरल करनी है। उसके बाद आपकी पिष्टी बेहतरीन फर्स्ट नंबर की आला किस्म की आपकी दुनिया की नंबर 1 पिष्टी बनके तैयार है। आप इसे हाथों में लोगे, रेखाओं में बैठेगी, आँख में लगाओगे तो सुरमे की तरह लगेगी, आँख में अपने वो नहीं देगी, अंश नहीं देगी अपना। तो दोस्तों इस तरह अपना बनाएं, अपने काम में लें, अपने मरीजों को दें और हमें दुआओं में याद रखें।